अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बना रहे हैं व्हिपिंग क्रीम से डालगोना कैंडी। सबसे पहले हम लोग शुगर मेल्ट कर देंगे, और जैसे ही शुगर मेल्ट हो जाएगी तो हम लोग इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून। तो देखिए, जैसे ही हम लोग ने ना इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड की ना, तो शुगर पूरी क्रिस्टलाइज हो गई थी, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम ठंडी थी, लेकिन वो बाद में पूरी सेट हो गई थी, मतलब अच्छे से दोनों इनकॉर्पोरेट हो चुके थे। तो देखिए, कलर भी बहुत मस्त चेंज हो चुका था इसका। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 पिंच ऑफ सोडा, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि इससे बनी होगी क्या, लेकिन यार गाइस सचमुच बहुत अच्छी डालगोना कैंडी बनी थी, मतलब शुगर से तो बहुत ही अच्छी बनी थी। और टेस्ट तो इसका लाजवाब था, इतना बेस्ट टेस्ट था कि लंडन डेयरी तो आपने खाई होगी, सेम उसी के जैसा टेस्ट था। फिर मैंने फटाक से इसे प्रेस किया थोड़ा सा, इतना अच्छा टेस्ट, मतलब सचमुच मैं ना दोबारा इसको ट्राई करूँगी टेस्ट के लिए। हाँ गाइस, बाकी मेहनत बहुत ज़्यादा लगी थी। मैंने इसे थोड़ा सा जो जैसा शेप दे पाई वैसा शेप दिया, और फिर देख सकते हैं आप कितनी मस्त लग रही है। देखने में मस्त नहीं लग रही है, खाने में बहुत टेस्टी। देखने में भी काफ़ी अच्छी दिख रही है, शाइनी और एकदम ऐसा मावा टाइप कलर था, एकदम अच्छी थी। प्लेट का इसके ऊपर मार्किंग हो गया था। अल्लाह हाफिज़।